स्कूल्स कब खुलेंगे, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन काफ़ी दिनों से मचा हुआ था और कई अपडेट्स इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ चुके हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले बताया था कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे, जैसा कि 21 सितंबर के आसपास खुलने की बात करी जा रही थी। लेकिन अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जो एक बहुत ही नामी न्यूज़पेपर है, उसमें छपी खबर ने आज ये चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि DIOS की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि स्कूल्स अब कब खुलेंगे। इसमें ये चीज़ साफ़ तौर पे बता दी गई है कि 30 तारीख तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और 30 तारीख के बाद खोलने की इजाज़त दी जा रही है आंशिक रूप से, मीन्स पार्टली, पूरा स्कूल नहीं चलेगा, एक आंशिक रूप से स्कूल खोलने की बात को कहा गया है सारे ही बोर्ड्स के। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से आया था, जिस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसमें पूरा बताया गया है कि जो स्कूल्स खुलेंगे वो किस तरीके से खुलेंगे। अब आपका पर्टिकुलर स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो आपका जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो खुलेंगे। बहरहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आ चुकी है कि अगर स्कूल खोले जाएं तो किस तरीके से खोले जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे दी हुई है और 50% स्टाफ को ही बोला गया है कि जब बुलाना होगा तो ओनली 50% स्टाफ ही आएगा, उससे ज़्यादा स्टाफ बुलाने की नहीं होगी। और बच्चे 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स का रिटन कंसेंट होना चाहिए, तभी वो जा सकेंगे अपने स्कूल में जाकर के टीचर्स से चीज़ें पूछने के लिए। अब इस पे स्कूल्स अपने स्पेसिफिक गाइडलाइंस आने वाले दिनों में इशू कर देगा, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने स्टूडेंट्स को भेजेगा, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे स्कूल जा करके या किस तरीके से इस चीज़ को वर्कआउट कराया जाएगा, ये स्कूल्स अभी डिसाइड करके अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करेंगे। DIOS की तरफ से जो लेटर आया हुआ है स्कूल्स के लिए और सभी प्रिंसिपल्स को जो भेजा गया है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। उसमें भी यही सेम चीज़ कही गई है और आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 21 सितंबर से स्कूल्स में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को यहाँ पे बताया गया है एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो 21 सितंबर तो निकल चुका है, अभी स्कूल्स ने डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जहाँ तक कि जो आपको कहा जाए 1 अक्टूबर के आसपास, स्कूल से डिसीजन लें और अपने स्टूडेंट से और पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करके इन चीज़ों को वर्कआउट कराएंगे। प्लस ये भी एम्फेसिस कहा गया है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी। तो ये तो था आज का अपडेट। अगर इसी तरीके का कोई और अपडेट आता है तो मैं काउंसिल से जुड़ा या इस पैंडमिक और एजुकेशन से जुड़ा, तो वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। हम लोग वैसे पढ़ाई में क्लास 12th की रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, स्टे सेफ, बाय बाय। We'll be right back.